अंबेडकर इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर मैडम भानु सर, उनकी पूरी टीम, अदिति जी और नितेश जी, सभी के नामों से तो परिचित नहीं हूँ, लेकिन सभी का यहाँ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 15 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा था और मूल्यांकन हमारे बंदियों ने ही कर दिया है, जो कुछ सीखा है बता दिया है। एक बंदी ने ये कहा कि जो 15 दिन पहले जो लोग थे अब वो नहीं है, उनका स्वरूप सबका बदल गया। ये हमारे लिए, हमारे जो भानु सर हैं, अतिथि लोग हैं, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 15 दिन में ही सभी का काफ़ी हद तक सुधार हुआ, जो विचारधारा थी उसमें बदलाव आया। एक बंदी ने और कहा कि 15 दिन नहीं कहना चाहिए, 15 दिन तो बहुत होते हैं, हमको सिर्फ 15 घंटे ही मिले। तो इसका ये आशय है कि बहुत मन से सीखा और उनमें ये ललक है कि हमको और समय मिलना चाहिए था, और समय मिलता तो हम और ज़्यादा सीखते। तो सही बात है कि 15 घंटे ही मिले, 15 घंटे में बहुत कुछ बदलाव हुआ। आप लोगों ने बर्तन मांजते हुए देखा है, अब यहाँ जेल में अपने बर्तन अपने आप मांजे भी होंगे। तो बर्तन मांजने में क्या किया जाता है कि बाहर से खूब रगड़ा जाता है, क्या करते हैं बाहर से चमकाते हैं। तो अभी तक बाहर से चमकाने का काम हमेशा आप लोगों ने किया होगा और अब जो अनुभव आप लोगों ने साझा किया है उससे लगा कि आप लोग अंदर से मांज रहे हैं, अंदर से सफाई कर रहे हैं। तो यही करना चाहिए, मन का परिष्कार होना चाहिए और शिक्षा का जो उद्देश्य है, शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा जो है, जो किताबों में, कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में हम लोग पाते हैं, आप लोग पाते हैं, तो उसका तो मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि किसी तरह से रोजगार मिल जाए, नौकरी मिल जाए, अपना परिवार का जीविकोपार्जन प्रारंभ हो जाए। और एक बार वो काम हो गया, शुरू हो गया, तो ये मान लिया जाता है कि जो हमारा उद्देश्य था, शिक्षा का था, वो पूरा हो गया। लेकिन उद्देश्य वो पूरा नहीं होता है। शिक्षा का असली उद्देश्य क्या है? शिक्षा के बारे में, विद्या के बारे में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्त है। अमुक्त क्या है, इसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ है। साधु संन्यासी जो है, जो तपस्या कर रहा है, उसके लिए मुक्त का अर्थ है कि मोक्ष पा लेना। जो विद्यार्थी है, जो पढ़ रहा है कॉलेज में, उसके लिए विमुक्त का अर्थ है कि वो जो बेरोजगारी है उससे उसने विमुक्ति पा लिया, बेरोजगारी से पीछा छूट गया, नौकरी पा गया। इसी तरह से हर व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ है। तो जो आत्मा का परिष्कार करे, जो मन का परिष्कार करे, जो विचारधारा में बदलाव लाए, वो असली शिक्षा है। और मैंने ये अनुभव किया है कि जो 15 दिन में भानु सर ने आप लोगों के साथ वार्ता किया है, वो मन का परिष्कार करने का ही काम उसमें इन्होंने किया है और उसमें ये काफ़ी हद तक ये सफल रहे हैं, हम लोग सफल रहे हैं, आप सफल रहे हैं, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। आपकी बातचीत सुन करके ये नहीं लग रहा है कि किसी जेल में बैठे हुए हैं, बंदी लोग बातचीत कर रहे हैं। संबंध, सुविधा, कार्यशाला, ये जो शब्द हैं ये आपके शब्दकोश में जुड़ गए हैं। आप ऐसी बातचीत कर रहे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट लोग और पढ़े लिखे, जो काफ़ी हद तक मनन चिंतन करने वाले लोग हैं, वो लोग जैसी बातचीत करते हैं, आपके शब्दकोश में वो शब्द जुड़ गए हैं। और जो आप लोगों ने अनुभव साझा किया है उससे ये लग रहा है कि आपने बहुत कुछ सीखा है, आप लोगों में सीखने की बहुत कुछ इच्छा थी, वो इच्छा काफ़ी हद तक आपकी पूरी हुई है। कई लोगों ने हमसे बीच में मिल करके कहा कि इस कार्यक्रम को और आगे जारी रखने की ज़रूरत है,
और अगर इस समय जारी नहीं रह सकता है तो इसको थोड़ा आगे बढ़ करके फिर से चालू किया जाए। तो हम सर से, मैडम से आग्रह करेंगे कि जब कभी आपके पास समय हो तो न 15 दिन के लिए तो एक हफ्ते के लिए ही सही, या कभी कभी छुट्टी के दिनों में जब आप आ सकते हो, सब आपका स्वागत है। हम इस सफल आयोजन के लिए आदरणीय मैडम का, भानु सर का, उनकी पूरी टीम का, अपने पूरे कारागार परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे जो अधिकारी कर्मचारी जो लोग लगे हुए थे इस काम को सफल बनाने में, प्रशांत जी और प्रीत साहब और लोग, और आप, सबसे बड़ी बात यह कि आप लोगों ने मन लगा करके सीखा। जो टारगेट ग्रुप था, जो लक्ष्य था हम लोगों का कि परिष्कार किसका करना है, आपका परिष्कार करना था, तो अगर आप मन लगा करके न सीखते तो हमारी सारी मेहनत, हम लोगों की, हमारी मतलब भानु सर की पूरी टीम की, सब बेकार जाती। तो वो जो श्रम था, मेहनत थी, वो साकार हुई और उसमें हम लोग सफल हुए। धन्यवाद।